सो आज मैं अभी जा रही हूँ हेयर कट के लिए। आज मेरा अपॉइंटमेंट है हेयर कट के लिए, क्योंकि बहुत दिन से टल रहा था। पहले ईद में भी कराना था, फिर रमज़ान आ गया, इसलिए बहुत बहुत दिन से टल रहा था। तो आज मैंने सोचा बहुत ज़्यादा ना टालूँ, और बस वो टावर सामने आ रहा है और ये जो डिस्टर्बेंस है उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर करें थोड़ा। टावर है, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि जब पेरेंट्स कोई काम करते होते हैं तो ही बच्चे बहुत ज़्यादा बीच में घुसते हैं। एनीवेज, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने हेयर कट के लिए। वहाँ पर कितना शूट कर पाऊँगी मुझे नहीं पता, लेकिन जितना पॉसिबल होगा उतना ज़रूर शूट करूँगी। फिर आप लोगों से मिलते हुए थोड़ी देर में। मैं सैलून पहुंच चुकी हूं, बट मुझे आने में यहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि आते आते मुझे लेट हो ही गया। अब देखते हैं कि हेयर कट हो पाता है या नहीं, क्योंकि मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो 7 बजे का था और अभी हो रहे हैं 8:30। तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं। यार आज का जो भी मेरा प्लान था वो सब बेकार हो चुका है और मेरे अरमानों पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है, क्योंकि मैं वहाँ पर गई, जैसा कि मैं पहले से बोल रही थी कि मैं लेट हूँ, बट मैं वहाँ पर गई तो मुझे पता चला कि मैम अब आपका हेयर कट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट था 7 बजे का और 8:30 बजे अब बुकिंग एकदम फुल है, और आपका अपॉइंटमेंट जिस लेडी से था, मतलब जिस लड़की को मेरे बाल काटना था, वो जा चुकी है। तो अभी इस टाइम वहाँ पर कोई भी लेडीज़ स्टाफ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जेंट्स ही हैं। बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच कर आई थी और बहुत दिन से टल रहा था। खैर कोई नहीं, तो अब हम लोग आ गए हैं कुछ खाने के लिए। जिशान ने पानी बताशे खा लिए, बट मैंने नहीं खाया, मुझे खाने का मन नहीं था। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, देखती हूँ कि अपने लिए रेस्टोरेंट में कुछ खा लेती हूँ। तो आज का जो हमारा डिनर होगा वो बाहर ही होगा। सोच के क्या निकले थे, हो क्या गया। है मसाला डोसा, पनीर डोसा, और ये आ गई पेस्ट्री। ये हम लोगों ने मंगवाई थी यूषा के लिए, यूषा को केक्स बहुत पसंद है। तो हम लोग कहीं जाते हैं बाहर खाना वाना खाने, डिनर विनर करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता है, मतलब ये मिर्चा नहीं खा पाता है, घर में भी नहीं खाता है। तो बाहर सारी चीज़ें स्पाइसी होती हैं, तो मैं क्या खिलाऊँ। तो यहाँ पर मुझे समझ आया कि यहाँ पर केक्स हैं, पेस्ट्री है, तो यही इसके लिए मंगा लूँ। हालाँकि ज़्यादा खाएगा नहीं, थोड़ा ही खाएगा, बट हम लोगों को देखने के चक्कर में इसे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, इस वजह से मैंने यही मंगवा लिया। You're only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be gone. Bye.
shining star. Giving, receiving, changing, believing, holding them like a star. कोई नहीं, इस बार का वीकेंड बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग रहा। अब चल रही हूँ मैं घर। पहले ये जो दिख रहा है ना फूड ट्रक, यहाँ पर हम लोग खाने वाले थे, बंजारा के नाम से यहाँ पर लगता है और काफ़ी अच्छे इनके खाने होते हैं। बट फिर बैठ के खाने का मसला था, यहाँ पर बहुत भीड़ थी तो हम लोग वहाँ पर चले गए। तो हम लोगों का डिनर हो गया और ये एक वीकेंड व्लॉग भी बन गया हमारा, क्योंकि आज है संडे। और आई थी क्या करने हो गया क्या, अभी इस टाइम बज रहे हैं रात के 10:15 और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। कुछ दवा लेनी थी मुझे तो उसके लिए बस रोका है। ज़िशान गए दवा लाने, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर। और खाना बहुत अच्छा था, मतलब मैंने जो ऑर्डर किया था स्प्रिंग रोल, और यहाँ इनके यहाँ पेपर डोसा के नाम स्पेशल डोसा के नाम से एक डोसा था तो उसमें पनीर एंड आलू का कॉम्बो था, काफ़ी अच्छा था वो। और मैंने अपने लिए, क्योंकि मैं कुछ और ऑर्डर करने वाली थी बट किया नहीं, क्योंकि मुझे आजकल कुछ प्रॉब्लम है, मुझे मिर्चा खाने में आजकल तकलीफ़ हो रही है, इस वजह से मैं मिर्चा बिल्कुल नहीं खा रही हूँ आजकल, मैं सिर्फ दही पर ज़िंदा हूँ। लेकिन फिर भी आज एक हफ्ते से मैंने कुछ नहीं खाया था, लेकिन आज सोच के निकली थी आज मैं खाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अभी इतना मैं झेल चुकी हूँ, फिर से कुछ खा लूँ, फिर से कुछ गड़बड़ हो जाए। और घर से भी इंस्ट्रक्शन मिला था कि कुछ खाना नहीं, ऐसा उल्टा सीधा। एक हफ्ते में बहुत परेशान, बहुत अभी है हल्का है वरना बहुत परेशान में हो गई थी। तो मैंने अपने लिए स्प्रिंग रोल मंगवाया था ये सोच के, उसने बोला कि इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और डोसा मैंने इसलिए नहीं मंगवाया कि कहीं स्पाइसी ना हो, और स्प्रिंग रोल इसलिए मंगा लिया उसने बोला क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। लेकिन भाई साहब वो मिर्चा तो फिर मैंने एक्सचेंज किया, मैंने ज़िशान को बोला यार अपना डोसा मुझे दो और मेरा स्प्रिंग रोल आप खाओ। तो फिर हम लोगों ने एक्सचेंज किया, फिर बाद मैंने हाफ ही खाया डोसा, उसके बाद फिर बाद में मैंने खाई रसमलाई। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ घर, अभी रास्ते में एक दो सामान लेना है ले लूँ, क्योंकि जब निकलते हैं हम लोग, क्योंकि हफ्ते में एक बार हम लोग निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो पूरे हफ्ते का सारा काम करते हुए कि यूषा का डायपर और यूषा की सारी दवाएँ, दूध के डिब्बे, मतलब जो कुछ हो सकता है एक हफ्ते की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से मैं यूषा के डायपर्स ले रही हूँ और सोच रही हूँ इस व्लॉग के लिए इतना बहुत है, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइस फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, गुड नाइट, बाय बाय।